नमस्कार, जय भूमिपुत्र लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिर्वे। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रदेश भर के शासकीय कर्मचारियों का हड़तालों का दौर जारी है। पटवारियों की हड़ताल खत्म होते ही अब ग्राम रोजगार सहायक पंचायत सहायक संगठन भी हड़ताल पर बैठ गए हैं। ग्राम रोजगार सहायक संगठन 7 दिनों का अल्टीमेटम देकर मध्य प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों के रोजगार सहायक हड़ताल पर है। ग्राम सहायक सचिवों का कहना है कि ग्राम पंचायत स्तर के सभी कार्य रोजगार सहायक ही करते हैं, इसके बावजूद भी सरकार ने रोजगार सहायकों के हित में कोई आदेश जारी नहीं किया। वेद की चिंता को देखते हुए रोजगार सहायक कलमबंद हड़ताल पर है। तो आपको बता दें कि रोजगार सेवक की मांग नहीं मानी जाती है तो वो 23 तारीख को भोपाल में शक्ति प्रदर्शन ढाणी यात्रा निकालेंगे और जेल भरो उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसके लिए शासन प्रशासन जिम्मेदार होगा। क्योंकि हम लोग संविदा कर्मचारी हैं, हम लोगों को जब चाहे यही धमकी मिलती रहती है कि हम आपको हटा देंगे या कोई भी काम ना पूरा होने पे हम ही लोगों पर प्रेशर डाला जाता है। इस कारण हम लोग नियमित होना चाहते हैं, इसलिए हम लोग हड़ताल पर बैठे हैं एक सप्ताह के। क्या हड़ताल की क्या रूपरेखा बनाई गई है? बस एक सूत्रीय मांग है हम लोगों के नियमितीकरण। कितनी तारीख से कितनी तारीख तक की हड़ताल की रूपरेखा है? 16 से 23। उसके बाद कोई? जी, हम लोगों की दांडी यात्रा है भोपाल में 23 तारीख। हमारी एक सूत्रीय मांग है जिसको लेकर हम 16 तारीख से 23 धरने पर बैठे हैं, वो है नियमितीकरण। और शासन से हमारी ये लगातार मांग चल रही है कि हमको नियमित किया जाए। क्या आश्वासन आपको मिला है अभी तक? शासन स्तर से कोई आश्वासन नहीं मिला और उनके जो चुनाव के टाइम पे घोषणा पत्र में हमारा नियमितीकरण का जो वचन दिया था वो शामिल है, उसी को लेकर हम मांग कर रहे हैं शासन से कि हमको नियमित किया जाए। कितने हड़ताल का जो आपका दौर है वो कैसा है, मतलब कितनी तारीख से कितनी तारीख तक का हड़ताल? अभी जो 16 से 23 हमारे प्रदेश संगठन के आह्वान पर हड़ताल की जा रही है। 446 पंचायत अपने जिले में हैं, जिसमें 415 GRS हैं, सभी हड़ताल पर बैठे हैं और शासन से यही मांग कर रहे हैं कि हमको नियमित किया जाए। अभी करो, अर्जेंट करो। नरसिंहपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।